हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस फ्रॉम पोट्सडैम जर्मनी। तो अभी मैं एक और सिटी में मौजूद हूँ जो कि पोट्सडैम जर्मनी का एक छोटा विलेज है। तो अभी मैं उसके स्टेशन पे खड़ा हूँ, देख सकते हैं आप। तो फ़िलहाल अभी मैं वापस जो है बर्लिन मूव हो रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर एक सेरेमनी है ईद गदीर की, तो वहाँ इमामबारगा में जा रहा हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं ट्रेन का वेट कर रहा हूँ, तो जो कि तकरीबन 5 मिनट में पहुँच जाएगी। उसके बाद फिर मैं आपको यहाँ की ट्रेन का भी यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। और मैंने यहाँ से ट्रांसफ़र ट्रेन लेके एक और जगह ट्रांसफ़र होना है, फिर बस लेके फिर वहाँ पे जाके पहुँचूँगा। तो फ़िलहाल अभी मैंने सोचा यहाँ पर आपको जो है चीज़ें दिखा देता हूँ। यहाँ का ट्रेन जो सिस्टम है देख सकते हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरा। क्या कहते हैं, अभी मैं तो अभी ट्रेन आ चुकी है, उसके बाद हमने इसमें बैठ के जाना है एक और स्टेशन पे, देन उसके बाद बस लेके अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तो यह है RE1 फ्रैंकफर्ट ऑर्डर, मतलब ये ट्रेन वैसे फ्रैंकफर्ट जा रही है, फ्रैंकफर्ट इनकी एक और बड़ी सिटी है। तो लेट्स गो। भाग और ना कोई छोड़ के चले। पर भी जा सकते हैं, इसमें ये कि फ्लोर बने हैं, हम ऊपर जाते हैं फ्लोर पर। इस वक्त मैं ट्रेन के दूसरे केबिन में जा रहा हूँ क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है। जब से 9 यूरो टिकट का ऐलान किया है गवर्नमेंट ने, तब से इतना ट्रेन में रश है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे एक तो ट्रेन सर्विस बहुत ही ज़बरदस्त है, और अभी इस वक्त मैं लाइक सेकंड फ्लोर की साइड पर हूँ और देख सकते हैं आप। तो फाइनली मुझे यहाँ पर एक विंडो सीट मिल गई है, और आप यहाँ देख सकते हैं। मैं आपको कोशिश करता हूँ बाहर का नज़ारा दिखाऊं, और ये देखें सामने ब्यूटीफुल लेक्स, तो कितनी मतलब बेहतरीन है। और यहाँ पर एक चीज़ मैंने नोट की है, मतलब पोट्सडैम में बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी पाई जाती है। तो फाइनली मुझे U9 का स्टेशन मिला। मैं कब से ढूंढ रहा था U9 कहाँ है, तो U9 अभी मिली है। तो बड़ा ख्वार हुआ हूँ क्योंकि यहाँ का इतनी सारी ट्रेनें समझ ही नहीं आ रही है। ये दूसरी साइड पे थी U9, तो अब मैं U9 जाके आखिरी मेरा जो है सफ़र है, उसके बाद मैं अपनी मंजिल पे पहुँच जाऊँगा इंशाल्लाह। तो अभी U9 देख रहा हूँ, U9 है किधर।